मनखे मनखे एक समान, यानी हर मनुष्य एक बराबर है। हमारे समाज को यह संदेश देने वाले गुरु घासीदास जी की आज जयंती है। छत्तीसगढ़ के रूढ़िवादी समाज में एक सतनाम रेवोल्यूशन लाने वाले गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में गिरौदपुरी गांव में महंगूदास और अमरौतिन देवी के घर में हुआ। हर साल की तरह आज भी गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती है और महीने भर के लिए गांव-गांव में मड़ई मेले लगते हैं। जिस दौर में समाज में लूटपाट, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती और अंधविश्वास का बोलबाला था, उस वक्त गुरु घासीदास जी ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आज हम जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं उसी में अपनी सहूलियत के हिसाब से ढल जाते हैं, लेकिन अब से 266 साल पहले जन्मे गुरु घासीदास जी समाज में बदलाव की एक ऐसी परंपरा लेकर आए जो न सिर्फ मानव बल्कि जानवरों, पशु पक्षियों का भी कल्याण चाहती थी। इस दूरदर्शी समाज सुधारक ने बहुत कम उम्र में ही छत्तीसगढ़ की हर जगह की यात्रा की और लोगों को पशुओं की बलि, जाति, भेदभाव, छुआछूत जैसी कई बुराइयों के बारे में अवेयर किया। उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की और रायगढ़ जिले में जिस जगह पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, आज वहां पर गुरु घासीदास पुष्प वाटिका है। सत्य के प्रतीक जैत खम्भ के बारे में शायद आपने भी सुना हो। लकड़ी का एक सफेद रंग का लट्ठा जिसके टॉप पर एक सफेद रंग का झंडा है, यही जैत खम्भ है जो सत्य और शांति का प्रतीक है। गुरु घासीदास जी की बदौलत दलितों को सतनाम पंथ के नाम से एक नई पहचान मिली। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है जो राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा इनके सम्मान में 16 जून 1983 को छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी। गुरु घासीदास जी कहा करते थे कि मेहनत की रोटी ही सुख का आधार है, लेकिन आज हम बहुत जल्दी और आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं, जिसके लिए हम कई शॉर्टकट या वो तरीके चुनते हैं जो जायज नहीं है, लेकिन शायद एक वक्त के बाद करप्शन से कमाया गया पैसा हमें खुशी नहीं देता और हमें खुद की नजरों में ही कसूरवार ठहरा देता है। 18वीं शताब्दी की इस महान शख्सियत ने उस दौर में विधवा विवाह को फेवर किया था और आज 21वीं सदी में होकर भी हम में से कई लोग विधवा विवाह के पक्ष में नहीं होंगे। आध्यात्मिकता भारत की संस्कृति है और हमारे रीति रिवाज हमारे गाइड, लेकिन हम आज भी ऐसी रूढ़ियों से बंधे हुए हैं जो जरूरी हैं ही नहीं। न सिर्फ गुरु घासीदास जी बल्कि हमारे सभी आध्यात्मिक गुरुओं का आज से सालों पहले एक व्यापक दृष्टिकोण था और हम आज भी संकीर्ण विचारों में विश्वास रखते हैं। गुरु घासीदास जी ने तमाम कुरीतियों का विरोध किया, खासकर पशु बलि का, और इसी वजह से उन्होंने अपने सतनाम समुदाय को मांस के सेवन से दूर रहने का संदेश दिया था। लेकिन आज पशु बलि भी समाज के बंटवारे का एक एजेंडा बन चुका है। इतना ही नहीं, आज एनिमल लव के नाम पर कुछ एक जानवर ही ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं मारते और उन्हें पालते हैं। गुरु घासीदास जी की तरह हमारे कई आध्यात्मिक गुरुओं ने न सिर्फ हर मानव बल्कि प्रकृति की गोद में रहने वाले हर क्रिएचर, हर जानवर के लिए सहानुभूति रखने का संदेश दिया है। गुरु घासीदास जी ने सन 1836 में निर्वाण पाया, लेकिन उनके विचार आज भी हमें सीख देते हैं। गुरु घासीदास जी का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण ही भारत को लंबे समय तक गुलामी का बोझ ढोना पड़ा है और आज भी यही जातपात हमारे समाज को एक नहीं होने देती। आज भी जाति और अमीरी गरीबी के नाम पर समाज का एक वर्ग लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हांक रहा है। हम आए दिन देश की महान शख्सियतों को याद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनके विचारों को अपनाते नहीं। कोई भी जयंती या दिवस मनाना सही है, लेकिन जिस दिन
हम उन गुरुओं के दर्शन को समझ गए, उस दिन बनेगा एक नया भारत। घासीदास जी के सात सिद्धांत केवल सतनाम पंथियों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को भक्ति और मानवता का सही अर्थ समझाते हैं। गीता में भी स्पष्ट लिखा गया है कि अपने अपने कर्म में लगे रहकर भी मनुष्य परम सिद्धि को पा लेते हैं। घासीदास जी के मनखे मनखे एक समान सिद्धांत को याद रखकर प्रत्येक मनुष्य और जानवरों के लिए दया भाव और करुणा रखना भी भक्ति ही है।